सुप्रभात बच्चों, आज ये आप लोगों का अगली पाठ का वीडियो मिल करने वाले हैं। संस्कृत का लोक हितम मत करनीय अध्याय 5 तक आप लोगों को बता दिया गया। अगले अध्याय 6 है लोक हितम मत करनीय। हमें लोक हित करना चाहिए, हमें लोक कल्याण करना चाहिए। ये एक गीत है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, आप लोगों को पहले में ही भी बता सकती हूँ, सुनाती हूँ। मनसा सततम् स्मरणीयम्, वचसा सततम् वदनीयम्, लोकहितम् मम करणीयम्। न भोगभवने रमणीयम्, न चा सुखशयने शयनीयम्, अहर्निशं जागरणीयम्, लोकहितम् मम करणीयम्। न जातुं दुःखं करणीयम्, न च निजसौख्यं मननीयम्, कार्यक्षेत्रे करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्। गहन अरण्ये घन अंधकारे बन्धुजना ये स्थिता गह्वरे, तत्र मया संचरणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्। हर हाल में हमें लोकहित लोक कल्याण का कार्य करना चाहिए। इस पाठ का इस गीत का सार यही निकलता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, करणीयम् अनियम प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अधिकतर शब्दों में यहाँ अनियत प्रत्यय लगा हुआ है। अनियत प्रत्यय जिसका प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। ध्यान दीजिए अब इसके अनुवाद पर। लोक मनसा सततम् स्मरणीय, मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए। क्या स्मरण करना चाहिए बच्चों? लोक हित लोक कल्याण की बातें, लोक हित लोक कल्याण की बातें मन से हमेशा याद रखनी चाहिए, मन में हमेशा याद रखना चाहिए। वचसा सततम् वदनीयम्, सततम् मतलब हमेशा, वदनीयम् माने बोलना। यहाँ हमने देखिए बच्चों, ये बोर्ड पे हमने श्लोक लिख दिया है। मनसा सततम् स्मरणीयम्, सततम् हमेशा निरंतर, स्मरणीयम् अर्थात याद रखना चाहिए, वदनीयम् अर्थात बोलना चाहिए, करणीयम् अर्थात करना चाहिए। मन से हमेशा लोकहित लोक कल्याण की बातें याद रखनी चाहिए, स्मरण रखनी चाहिए। वचसा वचसा वच यानी वाणी, वाणी से हमेशा अच्छी बातें कल्याणकारी बातें ही बोलनी चाहिए, लोकहित की बातें ही करनी चाहिए। हमेशा हमें लोकहित लोक कल्याण करना चाहिए, अर्थात कहने का आशय कि वाणी से हम ऐसा कुछ न बोलें जिससे किसी को दुख हो, किसी को कोई हानि पहुंचे। मन में ऐसा कुछ ना हम याद रखें, कुछ ना सोचें जिससे किसी को हानि पहुंचे। मन से हमेशा अच्छा ही स्मरण करना चाहिए, वाणी से हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। ना भोग भवने रमणीयम्, भोग भवने भवने भवन मतलब घर होता है, ऐसा घर संसाधन। ना ही सुख रूपी, ना ही सुख के भवन में रमण करना चाहिए, हमेशा अपने सुख की बातें ही हमें नहीं सोचनी चाहिए। ना चा सुख शयने शयनीयम्, ना ही और चा माने और ना सुख के बिस्तर पर हमें सोना चाहिए। शयनीयम् शयन करना मतलब सोना, शयनीयम् यानी सोना चाहिए। सुख शयने
सुखरूपी बिस्तर पर, न ही भोग के भवन में रमण करना चाहिए, यानी हमेशा सांसारिक भोगों में ही हम लिप्त रहे, यही हम ना करते, और ना सुख के बिस्तर पर हमें सोना चाहिए। अहर निशम जागरणे, अहर निशम, अहर माने दिन, निशा यानी रात, रात और दिन हमें जागना चाहिए, लोग एकदम मन कर दिया और लोकहित हमें करना चाहिए। ना ही भोग के भवन में रमण करना चाहिए, ना ही सांसारिक भोगों में हमें लिप्त रहना चाहिए, और ना सुख के बिस्तर पर सोना चाहिए, रात और दिन जागना चाहिए, लोग एकदम मन कर दिया लोकहित हमें करना चाहिए। न जाप हम गणनीय, जाप माने उत्पन्न होना, न उत्पन्न हुए दुख की गणना करनी चाहिए, अर्थात जीवन में कितने भी दुख आए हम उनकी केवल गिनती ही न करते रहे बैठे। न चा निज सौख्यम मन नियम, निज सौख्यम अर्थात अपना सुख, मन नियम यानी अहंकार करना, और न स्वयं के सुख का अहंकार करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे करणीयम, कार्य क्षेत्र में शीघ्र जाना चाहिए, अर्थात कोई भी कार्य करने के लिए हमें शीघ्र तत्पर होना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोक कल्याण लोकहित हमें करना चाहिए। ना उत्पन्न हुए दुख की गणना करनी चाहिए, और ना अपने सुख का अहंकार करना चाहिए। कार्य के क्षेत्र में शीघ्र पहुंचना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम, लोकहित हमें करना चाहिए। गमन अरण्ये धन अंधकारे, बंधु जना ये स्थिता गहने, गहन अरण्य, अरण्य माने वन, गहन माने घना, घने वन में, घन अंधकार, घने अंधकार में, बंधु जना ये स्थिता गहने, गहन माने गुफा, ये अर्थात जो जो घने वन में, घने अंधकार में, गुफा में जो भाई बंधु स्थित हो, तत्र वहां मया हमें संचरणीय जाना चाहिए, वहां हमें जाना चाहिए, अर्थात अपना कोई भाई बंधु जो घने जंगल में फंस गया हो, घने अंधकार में फंस गया हो, या किसी गुफा में फंस गया हो, तो वहां हमें शीघ्र जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, हमें करना चाहिए। जैसे देख लीजिए बच्चों, मन सा सतत स्मरणीय, मन से निरंतर हमें लोकहित का स्मरण करना चाहिए, याद रखना चाहिए, लोकहित याद रखना चाहिए। वाणी से हमेशा लोक कल्याण की बातें बोलनी चाहिए, लोकहित की बातें करनी चाहिए, लोकहित हमें करना चाहिए। ना भोग भवने रमणीयम, ना सुख के संसार में रमण करना चाहिए, यानी सुख में ही हम डूबे रहें, इस संसार के सुखों में ही हम लिप्त रहें, भोग ही भोगते रहें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ना चा सुख शैनिक शैनियम, और ना सुख के बिस्तर पर सोना चाहिए, रात दिन जागना चाहिए, हमें लोकहित करना चाहिए। ना उत्पन्न हुए दुख की गणना करनी चाहिए, और ना अपने सुख का अहंकार करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में शीघ्र जाना चाहिए, हमें लोकहित करना चाहिए। घने जंगलों में, घने अंधकार में, गुफाओं में जो बंधु भाई स्थित हो, वहां हमें जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहित हमें करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये इस पाठ का अनुवाद है। अब आगे अगले पाठ में।